जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग SCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के राइट इशू के बारे में। आपको पता होगा कि इस कंपनी का हाल ही में राइट इशू ओपन हुआ है, तो इस राइट इशू का जो क्लोजिंग का टाइम है अभी तो ओपन ही है और हालांकि क्लोज होने भी जा रहा है बहुत जल्द। तो यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको बताऊंगा, साथ में यदि नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे मेन चीज़ जो RE शेयर्स आपको मिले हैं, जो राइट इंटाइटलमेंट के शेयर्स आपको मिले हैं, यदि नहीं अप्लाई करना है तो आप उसको बेच दीजिएगा। कल तक इसको बेचने का लास्ट डेट है। यदि नहीं बेचेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का राइट इशू ओपन हुआ था तब मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में, और अब चूंकि राइट इशू क्लोज होने वाला है तो तब भी आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ। देखिए, इशू जो ओपन हुआ है आपको राइट इशू का, ये ओपन हुआ था 26 मार्च से और 5 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। इशू क्लोज हो जाएगा 5 अप्रैल तक यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं राइट इशू के बारे में, जिनको नहीं खबर है, मैं बता दूं कि राइट इशू बेसिकली जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, उनका ही पहला इस पर राइट होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया राइट इशू। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी राइट इशू, हालांकि पैसे जुटाने के और भी तमाम तरीके हैं लेकिन कंपनी राइट इशू को ज्यादा प्रीफर करती है, और इससे दोनों को फायदा होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और जो कंपनी के मालिक हैं उनको भी। इन्वेस्टर्स को फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि राइट इशू में कंपनी आपको कुछ अलग से शेयर्स देती है, वो बेसिकली रेशियो के हिसाब से शेयर्स देती है, आपके पास कितने शेयर्स हैं और उसके लिए इसको कितना शेयर्स मिलेगा, मैं बताऊंगा इसमें क्या रेशियो रखा गया था। तो जो कंपनी आपको फ्री में शेयर्स देती है वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे देती है, और कहती है कि यदि आपको इस शेयर्स को हमेशा के लिए अपने डीमैट अकाउंट में रखना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं अप्लाई करेंगे तो जो कंपनी फ्री में शेयर्स देती है उसको राइट इंटाइटलमेंट का शेयर्स कहते हैं, RE शेयर्स कहते हैं। वो फिर जब इशू क्लोज होता है तो उसके बाद वो गायब हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो फ्री वाले शेयर्स आपको मिले हैं RE शेयर्स, यदि आप राइट इशू में अप्लाई नहीं करना चाहते, 5 अप्रैल तक नहीं अप्लाई करते, तो उसके पहले इसको बेच दीजिएगा तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और नहीं बेचेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये फ्री वाले शेयर्स भी गायब हो जाएंगे, और प्लस राइट इशू के बाद जब शेयर्स के प्राइस का एडजस्टमेंट होगा तो आप जानते हैं कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो प्राइस में थोड़ी सी गिरावट होती है क्योंकि प्राइस का एडजस्टमेंट होता है। तो इसलिए आपको नहीं अप्लाई करना है तो आप प्लीज़ कल तक इसका लास्ट डेट है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका रिनेंसिएशन का डेट है, रिनेंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स, वो 2 अप्रैल तक, यानी कि 2 अप्रैल तक हर हाल में आपको जो RE शेयर्स मिले हैं, जो फ्री वाले शेयर्स मिले हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं, इसको बेचना पड़ेगा। कल जरूर बेच दीजिएगा, नहीं तो कल के बाद ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। यदि अप्लाई नहीं करना है तब, और यदि अप्लाई करना है तब कल आप इस फ्री वाले शेयर्स को नहीं बेचेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करना है आपको 5 अप्रैल तक डेट है, यदि अप्लाई नहीं किए हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करने में बताऊंगा, उसके पहले मैं बता दूं अप्लाई करने के लिए जो इसका प्राइस रखा गया है 21 रुपये के आसपास, इसका प्राइस है फ्री वाले शेयर्स जितना मिला है उतना ही के लिए अप्लाई करना है, और इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना पैसा आपको लगेगा। अब समझिए, अब जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा 16 अप्रैल तक। 16 थोड़ा समय लगता है, 16 अप्रैल तक आएगा। क्रेडिट डेट रखा गया 18 अप्रैल को पूर्ण रूप से आपके डीमैट अकाउंट पर, हालांकि 16 अप्रैल से तो दिखने लगेगा, 18 अप्रैल से पूर्ण रूप से क्रेडिट हो जाएगा, आप उसमें सेल एंड बाय कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट है 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को ये NSE और BSE दोनों पर लिस्टिंग होगा। आजकल जो भी लिस्टिंग होता है, चाहे RE राइट इंटाइटलमेंट का शेयर हो या जो नए IPO आते होंगे, दोनों के लिस्टिंग NSE BSE दोनों पर ही होता है। अब रेशियो जो रखा गया था मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, 1:9 का रखा गया था, यानी कि यदि आपके पास 9 शेयर्स हैं तब आपको 1 एक्स्ट्रा शेयर्स उस पर मिलेगा जो फ्री वाले शेयर्स है। अब किसी के पास 8 शेयर्स है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम 9 शेयर्स रहेगा तभी 1 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, और उसके बाद फिर जब 18 शेयर्स है तो 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, 27 है तो 3 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, यानी कि 9 के मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में यानी कि SCC में यदि किसी व्यक्ति को इस राइट इशू में अप्लाई करना है 5 अप्रैल तक तो अप्लाई कैसे कर सकता है। अब देखिए, राइट इशू में अप्लाई करने के बेसिकली 2-3 ही तरीके हैं। जो सबसे प्रीफर्ड मेथड होता है वो होता है नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग क्या होता है, यदि आप कोई भी बैंक यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए SBI बैंक यूज करते हैं, और उसका जो योनो एप्लीकेशन होता है, योनो लाइट करके भी होता है और एक योनो और भी एप्लीकेशन, बेसिकली दोनों एक ही है, तो यदि इस एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं इसका मतलब आप उसका नेट बैंकिंग यूज करते हैं। इसी तरह किसी भी बैंक का, HDFC बैंक का या कोटक बैंक का, किसी भी बैंक का यदि आप उसका जो मेन एप्लीकेशन होता है उसको यूज करते हैं तो इसका मतलब आप उसका नेट बैंकिंग यूज करते हैं। और जब उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पे एक आसबा का ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, और इसी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपको IPO ओपन है, राइट इशू ओपन है, वो सब आपको
या आसपास वाला ऑप्शन में दिख जाएगा और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है RTA के थ्रू। आप BSE की वेबसाइट पर जाएंगे, RTA का मेल ओपन करेंगे, वहाँ पे करेंगे आप। ये काफ़ी थोड़ा मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए सलाह ये दी जाती है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही इजीली, नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली अप्लाई हो जाता है। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख के इस एप्लीकेशन में बिड लगा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के राइट इशू के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स था मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट रहा हो या आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।